नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ग्राम पंचायतों में बन रही पानी की टंकी। मामला कुछ इस तरह है कि ग्वालियर जिले के घटी गांव तहसील के सहसारी गांव में पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। अब किस गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है, इस बात को तो ठेकेदार या सिविल इंजीनियर ही जाने, क्योंकि टंकी में चालू होने से पहले ही लीकेज की समस्या शुरू हो गई है और लीकेज के बाद ठेकेदारों ने लीपा पोती करना भी शुरू कर दिया। करोड़ों की लागत से बनने वाली पानी की टंकी में अभी से अगर पानी लीकेज होगा तो इस टंकी का आगे क्या भविष्य होगा, क्या गारंटी है कि ये टंकी मजबूती से खड़ी रहेगी। इस खराब निर्माण को लेकर जब घटी गांव एसडीएम संजीव खेमरिया से बात की तो बताया कि ठेकेदार के द्वारा अगर खराब निर्माण किया जा रहा है तो चेक कर कार्यवाही करेंगे। मोहना से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। सर, सहसारी में एक टंकी बन रही है, जो टंकी कंप्लीट लगभग उसका 90% काम कंप्लीट हो चुका है और उस टंकी को पानी भर के चेक किया गया था, जिसमें लीकेज हुए। अब लीकेज होने के बाद उसमें उन्होंने ऊपर से थोड़ा सीमेंट लगा के टिप टाप कर दी। सर, इस पर क्या जांच होगी, क्या कुछ किया कार्रवाई की जाएगी? सर, आपने उसका निरीक्षण किया है? अभी मैं पूर्व में निरीक्षण कर चुका हूँ, अभी एक बार और निरीक्षण करूँगा उसका, और अगर रिस रहा है पानी, अगर लगेगा खतरनाक स्थिति है तो उसको दोबारा से तैयार करने की बोले जी। सर,